हेलो फ्रेंड्स इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट अ डिफरेंट व्हाट इज वर्करी मोमेंट एंड हाउ दैट हेल्प्स द पीपल टू कम फ्रॉम द ब्लाइंड फेथ्स इन द सोसाइटी एंड हाउ द सन्स स्टार्टेड टू वर्क ऑन द सोसाइटी हमने जो लास्ट लेसन में लर्न किया है कि वर्करी मोमेंट मतलब क्या होता है और जो अंधविश्वास है बहुत सारा अंधविश्वास था हमारा सोसाइटी में उसमें से लोग लोगों को बाहर लेके आने के लिए वो जो अंधविश्वास में से लोगों को बाहर लेके आने के लिए संत लोग क्या करने के लिए गया एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेनली टू संस दे वे आर वेरी फेमस इन महाराष्ट्र संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट संत नामदेव ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ वर्करी मूवमेंट ही वॉज स्किल्ड ऑर्गेनाइजर सतनाम देव ये बहुत बड़ा फेमस संत है और ही वॉज ए वेल ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर भी था ही परफॉर्मड एक्सलेंड कीर्तन कीर्तन आसवेल हमारा बहुत ज़्यादा कीर्तनस भी उन्होंने लिखा है और उन उन्होंने वो परफॉर्म भी किया था ही अवैक एन द सेंस ऑफ क्वालिटी इन मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल्ड कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन उन्होंने सभी कास्ट और क्रीड का सभी मैन एंड वुमेन दोनों लोगों को भी बहुत मैन एंड दोनों लोगों पे भी आ, ऐसे बताया कि सब लोग उठो और दैट इज दिस इज द टाइम ऑफ द वर्क टू कम आउट फ्रॉम दिस ब्लाइंड फेथ्स उसके लिए उन्होंने कीर्तन यूज़ किया कीर्तन से यूज़ किया फ्रॉम टू कम आउट फ्रॉम दी ब्लाइंड फेथ्स ऑफ द सोसाइटी हिस्प्लच वाज नाचू कीर्तना चे रंगी छान देव लाओ जगी हिज अभंग कम्पोजिशन वन ऑफ दिज फेमस प्लेट जी वॉज दॉ दिस एंड अभंग कम्पोजिशंस आर वेल नोन उनका उनका ये जो अभंग कम्पोजिशंस राइटिंग्स बहुत फेमस भी है मिनी सन्स एज वेल एज कॉमन पीपल वे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज टीचिंग्स उनका जो टीचिंग्स है बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुंस किया और उस लोगों भी उस लोग भी धीरे धीरे ये सिने में आ गया ही अवेंट अप टू द पंजाब प्रपोगेटिंग हीज थॉट्स उसके बाद में वो पंजाब में गया उनका टीचिंग्स उधर uh, मतलब स्प्रेड करने के लिए गुरु uh, ग्रंथ साहिब ऑफ सिक्स सिख पीपल का एक बहुत बड़ा फेमस गुरु है uh, ग्रंथ साहिब ही प्रपोकेटेड द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स ये भगवत रिलीजन का सभी आइडियास uh, उन्होंने एक्सप्लेन uh, किया और बढ़ा दिया फेमस कर दिया ही बिल्ड ए मेमोरियल टू सात छोका मेला एट पंदापुर हिज वॉर्क ईज आन फोट फॉर गोटेबल तो उन्होंने क्या किया पंदापुर में संत छोका मेले के लिए एक मेमोरियल भी बनाया एट द सेम टाइम हिज वर्क आर वेरी फेमस एंड नेबर बिफोर गेट सो दैट्स अबाउट सन्त नामदेव ही वॉज अ वेरी फेमस संत नेक्स्ट अबाउट संत ज्ञानेश्वर ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ फरकारी मोमेंट हि रोड फावरदा

वन ऑफ द अनदर बुक उसका एक दूसरा बुक है ही प्रीचड प्रीच मीनस टीच प्रीच मीनस अ टीच दी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ दी पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज्स वर्कस एंड कंपोजिशन उन्होंने हमारा भक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है वो उनका ये राइटिंग से उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा डिवोशन का हमारा भक्ति का इम्पोर्टेंस हमारा लाइफ में क्या है वो उन्होंने उनका राइटिंग्स ले राइटिंग्स के लिए बताया ही शॉड सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इसलिए उन्होंने बहुत सिंपली ये प्रार्थना और पूजा वगैरह किया है वो बहुत सारे लोगों को uh, उन उनके पीछे पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ रिलीजन टू द वर्कारी मोमेंट वो एक रेस्पेक्ट uh, दिया उनक, उनका रिलीजन को उनका रिलीजन का एक रेस्पेक्ट है मरकरी मूवमेंट से रहे उन्होंने लिया दो हिस लाइफ वॉज स्पेंड इन एक्सट्रीमली अडोस सर्कमस्टेंसेस फिर भी उनका लाइफ मतलब बहुत मुश्किल था बहुत कठिन था ही नेवर लॉस्ट हिज काम ऑफ हिज माइंड एंड नेवर लैब बिटनेस बिटर्नस उनका लाइफ में उन्होंने कभी उनका कामनेस कभी गुस्सा नहीं किया और कभी किसी के साथ झगड़ा करने के लिए भी नहीं किया ही वॉज वेरी काम एंड कोल्ड वेरी Uh, a gentleman. His Pasayadan in aneshwari's uplift the mind, the poetic compositions of brothers Sandh Narvitna and Sandh Swapandev and sister Mukta Devi are well known. And his brothers and sister they were also very famous. Sandh and Sandh Swapandev and sister Mukta Devi were very famous.